समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सिर्फ एक वादा, अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। उस आज्ञा का पालन कभी मत करना जो आपके भीतर से ना आती हो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन ही रहना उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूरे झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जो आप जीवन को देते हैं सब कुछ वापस आता है, अच्छा बुरा झूठ सच सब कुछ। इसलिए दुनिया को आप अच्छा देने का प्रयास करो, फिर निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। आप हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप व्यर्थ हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा दुख नफरत डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम हो, और दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुखी ना हो पाओगे, दूसरों को सताने से कभी उत्सव न मना पाओगे। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सब दुख समाप्त हो जाएंगे। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझो। कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है, मगर धागे के साथ मिलते ही उसकी फितरत बदल कर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। अच्छी संगत का हमारे जीवन पर यही प्रभाव होता है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही हैं जो साथ में है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ी हैं, और यदि नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कर आएगा। सबका ख्याल रखिए, पर अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।